किम्स किंग्सवे अस्पताल हमेशा ही नई पहल करता है। इस बार भी किम्स किंग्सवे अस्पताल द्वारा अनोखी पहल की गई है, जिसमें जन्म के समय श्रवण हानि वाली बच्ची की पहचान कर कॉकलियर इम्प्लांटेशन किया गया, जिसने पहले जन्मदिन पर पहली बार आवाज सुनी, जो बच्ची के लिए एक अनोखा तोहफा रहा है। किम्स किंग्सवे अस्पताल में 11 महीने की बच्ची पर कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की गई है। आपको बता दें कि कॉकलियर इम्प्लांट एक छोटी सी डिवाइस है, जिसके भीतरी और बाहरी दोनों भाग होते हैं। यह डिवाइस सुनने के लिए उत्तरदायी कॉकलियर के नर्व को आवाज समझने के लिए उत्तेजित करती है। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी बेहतर सुनने में आपकी मदद कर सकती है। ऐसी ही सर्जरी 11 महीने की अनुश्री पर की गई है। कल अनुश्री का जन्मदिन था और उसी दिन किम्स किंग्सवे अस्पताल के ऑडियोलॉजी के टीम ने टेस्ट की और अनुश्री ने पहली बार आवाज सुनी और आवाज पर प्रतिक्रिया भी दी, जिसे डॉक्टर्स और अनुश्री के माता पिता के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता लोहिया है। मैं किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ENT एंड कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी जंग है जो कंजनाइटल या जो पैदाइशी बहरे बच्चे पैदा होते हैं उनसे, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डे वन पे उनको डायग्नोज करना, क्योंकि एक इनविजिबल हैंडीकैप है। बच्चा पैदा होते ही नहीं बताता कि उसे सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। कई बार पेरेंट्स को भी ये काफ़ी लेट तक समझ में नहीं आता है कि उनके बच्चे को बराबर सुनाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एवरेज एज जो हमारे इंडिया में है, जहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता बराबर है या नहीं, वो बोल रहा है या नहीं, वो लगभग एक 3 साल है। और 3 साल तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। हमने इनिशियल 3 साल प्लस 9 महीने पेट का, उतना हम ऑलरेडी पीछे हो गए हैं। तो अभी आज के डेट में जो हमारे पास बच्ची है, शी वॉज डाइग्नोज्ड एट बर्थ, 3 महीने पे कन्फर्म हो गया, 6 महीने पे हमने उसका हियरिंग एड लगा के थेरेपी शुरू कर दी और 11.5 महीने पे बच्ची का इम्प्लांट हो गया। आज उसका फर्स्ट बर्थडे है एंड फर्स्ट डे जब वो साउंड सुनने वाली है। सो दिस शुड हैपन फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे का स्क्रीनिंग होना चाहिए, हर बच्चे के पेरेंट्स को इनिशियली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी डायग्नोज करके हम उसका जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सो दैट ये बच्चे लाइफ में नॉर्मल बच्चों जैसा इंटीग्रेट हो जाए, नॉर्मल स्कूल जाए, नॉर्मल पढ़ाई करें, नॉर्मल बोली भाषा बोले। हमें इसके लिए एज अ सोसाइटी आज के डेट पे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी डिवाइस जब हम लगाते हैं तो उससे सुन के समझ के फिर बोलना ये ज़रूरी है, तो थेरेपी तो करना ही पड़ता है। लगभग एक 2 से 3 साल की थेरेपी पोस्ट इम्प्लांट कंपलसरी है, क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है, पैदा होते ही नहीं बोलता है ना, पहले वो 6 महीना सुनता है, फिर वो बाबा बोलता है, फिर वो धीरे से शब्द पकड़ता है। तो सिमिलर थिंग हैपन्स विथ इम्प्लांट ऑल्सो, पहले वो सुनते हैं, फिर वो समझते हैं, फिर वो बोलना शुरू करते हैं। शी इज़ डॉक्टर इशिता मांडव्या, शी इज़ ऑडियोलॉजिस्ट, ये आपको थेरेपी के बारे में और बताएंगे। जैसे मैडम ने बोला कि थेरेपी, स्पीच थेरेपी तो इज़ अ मेजर पार्ट इन द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस विथ कॉकलियर इम्प्लांट, पर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अगर एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमारा लो होता है, जैसे अभी अनुश्री का है, 11 मंथ्स में उसको सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस मिल गया, एम्प्लीफिकेशन डिवाइस मिल गया, तो इसके पीछे उसके बाद सिखाने की जो मेहनत है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है और कम से कम मेहनत में मैक्सिमम रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, अगर एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन कम है और कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस नहीं है तो। और यही एफर्ट्स ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं अगर हमें पता चलता है कि तकलीफ लेट आइडेंटिफाई हुई है और उसके बाद में जो काम है वो लेट शुरू हुआ है। और स्पेसिफिकली जो हमारा बोली भाषा सीखने का पीरियड रहता है, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर्स, या फिर अगर मैं पेट से पकड़ूं बच्चे का तो पेट के 9 महीने और 3 साल तक में हमारा ब्रेन तत्पर रहता है बोली भाषा सीखने के लिए। तो इस टाइम का हम लोग भरपूर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं अगर हमने बच्चे को सही टाइम पे पकड़ा। और उसके लिए मैं इंसिस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो अपना जन्मजात बच्चे की सुनने की जाँच अवश्य करें, अगर आपको डाउट हो चाहे ना हो, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर बच्चे के बर्थ में कुछ तकलीफ हुई हो तो ही सुनने की जांच करना ज़रूरी है। हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसकी सुनने की जांच अगर की जाए तो ही हम इन बच्चों को जिनको तकलीफ है उनको सही रास्ता दिखा पाएंगे और सही समय पे पकड़ पाएंगे। इस दौरान अनुश्री के हाथों केक काटकर जन्मदिन की शुभेच्छा दी गई। माता पिता बोले कि आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज अनुश्री ने आवाज सुनकर प्रतिक्रिया दी है। माझं नाव निखिल खोबरागडे,
मी अनुश्रीचा पप्पा आहे. ज्या वेळेस मला माहीत झालं की हिला ऐकायला येत नाही त्यावेळे आम्ही खूप नर्वस झालो. त्याच्यानंतर आम्ही काही टेस्ट वगैरे केल्या. टेस्ट केल्यानंतर आम्हाला जाणवलं की हिला ऐकायला येत नाही. मग नंतर आम्ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला गेलो. तिथं माहीत पडलं की एक RBSK नावाची स्कीम असते आणि स्कीमद्वारे मोफत ऑपरेशन होते. मग आम्ही तिथं जाऊन आंशवार मॅडम यांना भेटलो. त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि आम्ही 6 महिन्यापासून किंग्सवे हॉस्पिटलला येत आहोत. आल्यानंतर मागच्या महिन्यामध्ये 14 तारखेला आमचं याचं कॉक्लर इम्प्लांट सर्जरी झाली आणि आज तिला हेअरिंग एड लावण्यात आलं. आज तिला तिचा पहिला वाढदिवस आहे आणि सर्जरी होऊन जे कॉक्लर इम्प्लांट झाल्यानंतर जी हेअरिंग एड्स लावलं तर तिला आज ऐकायला येत आहे. ते बघून खूप आनंद होत आहे. आज चांगलं वाटत आहे की तिला ऐकायला येत आहे म्हणून आणि यानंतर तिला आवाज येईल तर खूप छान वाटत आहे. कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद अनुश्री की स्पीच थेरेपी की जाएगी और अनुश्री नॉर्मल बच्चों के जैसा सुन और बोल पाएगी. ऐसे कई बच्चे होते हैं कि जो बचपन से ही सुन नहीं पाते. उन बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक काफी अच्छा उपाय है. कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर.